ग्रेविटेशन एक फिनोमिना है. बेसिकली ये एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स क्या होता है? फोर्स एक फिनोमिना जिससे किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, खींचना या ढकेलना. उसके लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स. अब हमारे नेचर में हम स्टडी करते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. देयर आर टू मेथड्स ऑफ अप्लाइंग द फोर्स. वन, मेक ए कॉन्टैक्ट एंड पुश इट, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स. देयर इज अनदर मेथड. वी हैव ऑब्जर्व दैट इफ यू प्लेस दिस ऑब्जेक्ट हियर, इसका अर्थ के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ये अर्थ की तरफ आता है. इससे ये पता लगता है कि अर्थ ने इस पर फोर्स अप्लाई किया. अर्थ इसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, उसके बाद भी ये अर्थ इसको खींच लेती है. इस तरह के जो फोर्स लगते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट, उसको बोलते हैं फील्ड फोर्स. फील्ड उसका मेथड है अप्लाई करने का. तो फोर्स अप्लाई करने के दो मेथड हो गए. वन मेथड इज फोर्स अप्लाइंग बाय कॉन्टैक्ट, अदर फोर्स अप्लाइड बाय फील्ड. फील्ड में कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए. ओके, इसकी हमको जरूरत इसलिए पड़ी, पुराने समय से फिलोसफर्स चारों तरफ अपनी दुनिया देखते हैं और उन्होंने देखा कि बहुत से स्टार्स हमारे चारों तरफ हैं. सबसे प्रोमिनेंट स्टार जो चमक रहा है वो है सन. सन इधर से निकलता है और ऐसे निकल के ऐसे नहीं जाता है, ऐसे आता है और फिर इस तरफ चला जाता है, फिर इधर से आता है. दैट मीन्स वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है. और कोई भी चीज चक्कर क्यों लगाएगी जब तक उसको हम खींचेंगे नहीं. इसका मतलब है कि दोनों के बीच में एक फोर्स होना चाहिए. तो पुराने समय से फिलोसफर ये सोचते आ रहे हैं कि जो हमारे आसपास प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सन हैं, ये सब चीजें सर्कल्स में क्यों घूमती हैं, सर्कल में क्यों घूमती हैं. और सर्कल में घूमने के लिए हमने थ्योरीज बनाई हुई थी. एक पत्थर को हम सीधा फेंकते हैं तो वो स्ट्रेट चला जाता है, पर अगर हम उसको एक रस्सी से बांध देते हैं तो रस्सी में एक टेंशन डेवलप हो जाता है जो उसको सीधा जाने नहीं देता. उस टेंशन के कारण वो पत्थर सीधा ना जाके ऐसा गोल घूम जाता है. ऐसा पत्थर को रस्सी से बांध के ऐसा फेंकिए तो क्या करेगा वो? ऐसा गोल घूम जाएगा. क्यों? क्योंकि टेंशन का फोर्स उस पे लगता है. तो ये हमारे नॉलेज में आ चुका कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में राउंड घुमाना है तो हमें एक फोर्स चाहिए. किसकी तरफ? सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, वो हमको चाहिए. तभी कोई ऑब्जेक्ट राउंड में सर्कल में घूमेगा, अदरवाइज वो सीधा चला जाएगा. अब सन अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमता है. स्टार को हम देखते हैं, महीनों तक देखते हैं, स्टार ऐसा चलते हैं, गोल घूमते हैं. तो जो जो चीजें सर्कल में चल रही होंगी सब में एक फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स. अब इतने दूर दूर स्टार हैं, उनके बीच में कॉन्टैक्ट तो हो नहीं सकता आपस में, तो कौन सा फोर्स होगा? फील्ड वाला फोर्स होगा, द फोर्स अप्लाइड बाय द फील्ड. अब ये जो फोर्स है इसके कारण पूरी दुनिया चल रही है, पूरा यूनिवर्स चल रहा है. तो उस फोर्स का नाम उन्होंने रखा, फिलोसफर्स ने, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी. तो ग्रेविटी मतलब यू नो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्रेविटी. सबसे ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग ये वाला फोर्स उन्होंने रखा, ग्रेविटेशनल फोर्स. एनीवे, पहले तो ये जो ऑब्जर्वेशन किए गए थे और ये फोर्स के बारे में सोचा गया था, इसके लिए शुरू से थ्योरीज बनी. और हमारे जो ऑब्जर्वेशन था, दैट ऑब्जर्वेशन वॉज बेस्ड ऑन अर्थ एंड सन. तो शुरू में ये सोचा जाने लगा टॉलेमी के टाइम से कि अर्थ स्टेशनरी है एंड सन इज मूविंग अराउंड इट, बिकॉज दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व प्राइमा फेसी. वी सी सन इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द इवनिंग एंड अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग.
सो सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ. दिस वॉज द अर्लियर थ्योरी एंड दैट वॉज मस्ट बी ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाई द अर्थ. ये थ्योरी शुरू में चलती थी एंड दैट वॉज गिवन बाय द फिलोसफर टॉलेमी नियरली 2000 ईयर्स बैक, जिस समय क्राइस्ट का जन्म हुआ था. ओके, 500 ईस्वी के आसपास इंडिया में भी एक साइंटिस्ट हुए, आर्यभट्ट. उन्होंने भी बुक्स लिखी, उन्होंने भी फिलॉसफी बनाई और उनका ये कहना था कि हमारे चारों तरफ जो स्टार्स दिखते हैं, सन दिखता है, अर्थ दिखता है, सब सर्कल में घूम रहे हैं, पर उस सर्कल का सेंटर कौन है? तो उनका ये कहना था कि उसका सेंटर सन है. सन इज हीलियो, अर्थ इज जियो. तो आर्यभट्ट ने क्या कहा कि हीलियो सेंट्रिक दुनिया है ये, यानी सेंटर में कौन है? सन, और उसके चारों तरफ बाकी के प्लैनेट्स घूमते हैं. टॉलेमी ने क्या कहा था? जियो सेंट्रिक, सेंटर में कौन है? अर्थ, और बाकी प्लैनेट उसके चारों तरफ घूमते हैं. वो प्लैनेट्स हमको दिखते थे, बुध दिखता है, गुरु दिखता है, शुक्र दिखता है, शनि दिखता है, ये सब प्लैनेट्स हमको दिखते हैं और ये सब प्लैनेट एक तरफ से आते हैं, इधर जाते हैं, इधर आते हैं, इधर जाते हैं, यानी ऐसे चारों तरफ घूमते हैं. और चूंकि हम उसको वैसा देखते थे इसलिए वैसी थ्योरी बनाई गई. लेकिन आर्यभट्ट का ये कहना था, बट उस समय क्या था, देर वॉज नो मच कम्युनिकेशन, सो दिस मैसेज वॉज नॉट कन्वेड टू द वेस्टर्न साइंटिस्ट. हमारा आपस में बातचीत नहीं हो पाती थी, द डिस्टेंसेज वेयर सो लार्ज. यूरोप में जो प्रोग्रेस हो रही थी 1473 और 1500 के आसपास, 1500 साल तक यही माना जाता था दैट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इज अर्थ एंड ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड इट इंक्लूडिंग सन. दैट वाज व्हाट वी वर ऑब्जर्विंग. लेकिन 1500 के आसपास कोपरनिकस ने एक थ्योरी बनाई. कोपरनिकस एक फिलोसोफर थे, वो कोई प्रोफेसर या एजुकेटर ऐसा नहीं थे, बट ही वॉज ए फिलोसोफर. उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि व्हाट अपीयर्स टू बी इज दैट सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ आर मूविंग अराउंड इट. और उन्होंने उसके बहुत सारे प्रूफ भी दिए, बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई, उसके बेसिस पर एक्सप्लेन किया कि किस तरह से बाकी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं. उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, यंग साइंटिस्ट गैलीलियो, ही वॉज ए प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी. उनको ये आइडिया ठीक लगा और उन्होंने इसके बारे में राइटअप लिखे, पेपर्स में छपाए, लेक्चर्स दिए, बहुत जगह वो जाकर बोले. और गैलीलियो के साथ ये स्पेशलिटी थी, ही वॉज हैविंग अथॉरिटी. अथॉरिटी मतलब क्या? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, स्कूल के प्रोफेसर, इसलिए वो जो बोलते थे उनकी बात सुनी जाती थी. तो उनकी बात सुनी जाने लगी और लोगों में ये होने लगा कि अर्थ इज सेकेंडरी और मेन सुप्रीमो कौन है? सन. उसके चारों तरफ अर्थ घूमती है. तब तक चर्च में ये बिलीफ था कि अर्थ सेंटर है और बाकी सब उसके चारों तरफ घूमते हैं. और गैलीलियो ने क्या कह दिया? अर्थ सेकेंडरी है, सन इज द सुप्रीम और अर्थ उसके चारों तरफ घूमती है. दिस वॉज कॉन्ट्रेडिक्टिंग विद द चर्च और चर्च को ये पसंद नहीं आया. उस समय साइंस और फिलॉसफी दोनों के बीच उतना सेपरेशन नहीं था. रिलीजन, साइंस, फिलॉसफी सब कुछ मिक्सअप हुआ करता था. तो चर्च का ये कहना था कि अगर गैलीलियो ऐसा बोलते हैं कि सन के चारों तरफ अर्थ को घूमना पड़ता है तो अर्थ की ग्रेविटी कम हो जाती है, एंड दे डिड नॉट लाइक इट, क्योंकि वो हजार साल से पढ़ा रहे थे कि अर्थ के चारों तरफ सन घूमता है. तो उन्होंने गैलीलियो पर मुकदमा चलाया, गैलीलियो को बुलाया, मुकदमा चलाया और उसको बोला गया कि वो अपनी पोस्ट छोड़ दें और पोस्ट छोड़ने के बाद लोगों को ये लेक्चर दें कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है. और सॉरी
ये लेक्चर दें कि अर्थ सेंटर में है और सन उसके चारों तरफ घूमता है, जो कि चर्च का कहना था। अब चूंकि राजा का जोर था, चर्च का जोर था, गैलीलियो को मानना पड़ा। तो ये एक बहुत फेमस स्टोरी है, एक बहुत फेमस मूवी है, बनी हुई है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा। तो लास्ट में वो जब मुकदमा चला, बहुत डिटेल है उसकी, लास्ट में गैलीलियो ने स्टेटमेंट दिया, पब्लिक को बोला, क्योंकि पब्लिक उसको मानती थी, ही वॉज ए लर्नेड मैन, और गैलीलियो ने फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नियम बनाए हैं। एक नियम आप लोग भी पढ़ चुके हो, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने बनाया था। इस तरह से गैलीलियो ने बहुत से लॉज बनाए थे, बाकी सब लोग उसको लिखते थे, स्टडी करते थे, कॉपी करते थे, लेकिन बनाने वाले बेसिकली गैलीलियो थे। तो गैलीलियो को हम फादर ऑफ फिजिक्स मानते हैं और उनकी बात सब मानते थे। तो राजा ने उनको मजबूर किया और फाइनली उनको ये बोलना पड़ा कि सन अर्थ सेंटर में है और सन उसके चारों तरफ घूमता है। ठीक है, लोगों ने सुन लिया, क्योंकि वो जेल जाने से बचना चाहते थे, आ गए। लेकिन बाद में फिर उन्होंने बोला कि आखिर, लेकिन घूमती तो अर्थ ही है चारों तरफ। सो दैट वॉज अ वेरी फेमस सेंटेंस ऑफ हिम, दैट एक्चुअली अर्थ मूव्स अराउंड सन। ठीक है, लेकिन उनके बाद के दिन, लास्ट की लाइफ काफ़ी, जब ये चीज़ और फेमस हुई कि गैलीलियो आफ्टर ऑल माने नहीं, तो गैलीलियो को काफ़ी सज़ा मिली, नौकरी से निकाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो ये चीज़ें उस समय बहुत हुआ करती थी, चर्च और साइंस, इनका कॉन्फ्लिक्ट बहुत हुआ करता था, अभी तक किसी ना किसी चीज़ में होता है। एनीवे, तो ये गैलीलियो ने ये शुरू किया था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, टाइको ब्राहे, ही वॉज ए स्टूडेंट बेसिकली। तो टाइको ब्राहे वॉज ए वेरी हार्ड वर्किंग साइंटिस्ट, और उनके पास गैलीलियो से वो बहुत प्रभावित थे। उनके पास एक टेलीस्कोप था, टेलीस्कोप से वो अलग अलग स्टार्स को देखते थे, डायरी में उनका टाइम नोट करते थे, किसकी क्या पोजीशन किस समय है, और कुछ दिन बाद फिर क्या पोजीशन है, कुछ दिन बाद फिर क्या पोजीशन है, एक स्टार की नहीं, सैकड़ों स्टार की, हजारों स्टार्स की, और वो सब डाटा को डायरी में लिख लिख के रखते जाते थे। वो कितना डाटा बना, इतना डाटा बना कि एक मकान के सारे कमरे भर गए, इतना ज्यादा उन्होंने डाटा सब नोट किया, और उस डाटा को, इतना डाटा हो गया कि उसको पढ़ के फिर ये सोचना कि स्टार किस नियम से चलते हैं, उसके लिए बहुत साल चाहिए थे, उतने साल उनकी लाइफ नहीं थी। तो आप देख रहे हैं उनकी लाइफ 1546-1601, हार्डली 50 ईयर्स, 45 ईयर्स। तो डाटा इकट्ठे करते करते ही उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, और वो अपने कमरों को डाटा से भर के चले गए, डायरियां उनकी पूरी भरी हुई थी। लेकिन उस डाटा से रिजल्ट क्या निकलना है, क्या पता लगता है, ही डिड नॉट से एनीथिंग, इसलिए हिस्ट्री में उनका नाम उतना आता नहीं। उनके डाटा को उनके बाद आने वाले, काफ़ी सालों बाद आने वाले जोहेनिस केपलर ने स्टडी किया। टाइको ब्राहे के जो भी, जैसे भी रिलेशन होगा उनका, तो जोहेनिस केपलर ने उस डाटा को लेके वन बाय वन स्टडी करना शुरू किया कि कौन से स्टार कैसे घूम रहे हैं, कितने टाइम के बाद कितनी दूर वाला स्टार वापस आता है। तब तक हमको मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज मालूम थे कि अगर रेडियस आर होता है तो सरकमफ्रेंस 2πr होती है, एरिया πr² होता है, तो ये सब चीज़ें मालूम थी। स्पीड के, काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस हमको मालूम थे, रोटेशन के इक्वेशंस हमको मालूम थे, सर्कुलर मोशन के, ये सब चीज़ों को अप्लाई करके उन्होंने ये निकाला कि कौन सा प्लैनेट कितनी दूर है, कितनी देर में वो चक्कर लगाता है, और उसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होना चाहिए, कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने अलग अलग प्लैनेट्स की स्टडी की, और ये सब स्टडी उन्होंने पेपर्स में से की, और वो पेपर कौन से थे,
जो टाइको ब्राहे बनाकर गए, तो उनको स्टार देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये डाटा उनके काम में आया। तो ये डाटा से उन्होंने स्टडी करके तीन लॉज बनाए, विच आर वेरी फेमस लॉज एंड नोन एज केपलर्स लॉ। वो पहली एक स्टडी थी कि किस तरह से प्लैनेट्स स्टार्स घूमते हैं और इनके घूमने के पीछे रीजन क्या है, एक फोर्स जो कि सीधा नहीं जाने देता, घुमा देता है, वही फोर्स को बाद में हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो ये उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि ये स्टडी सबसे पहले किसने की, इन सारे लॉस की, जो जोहानिस केपलर ने उसके बारे में लिखा। पर एक चीज है कि साइंस में कोई भी एक जन्म नॉलेज देने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। कब से ये चीजें शुरू हुई हैं, अगर हम गैलीलियो के टाइम से माने तो गैलीलियो के समय 1400 1500 से लेके 1640 तक केपलर के लॉ आए। केपलर के लॉज आने से भी ग्रेविटेशन नाम नहीं आया तब तक, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन यही उसका नाम था। ये वाले लॉज को बाद में न्यूटन ने स्टडी किया और न्यूटन ने केपलर्स लॉ को स्टडी किया, दूसरे लॉज को स्टडी किया, काइनेमेटिक्स को स्टडी किया और उसके बाद लॉज ऑफ मोशन उन्होंने बनाए एंड ही वॉज जीनियस मैन। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो काम किया न्यूटन ने किया और उन्होंने कोई भी काम करने के लिए, ये कोई गॉड गिफ्टेड ही नहीं होता, वन हैज टू एक्वायर द नॉलेज वट एवर इज द प्रीवियस नॉलेज। तो न्यूटन ने कौन सा नॉलेज एक्वायर किया, जो केपलर ने बनाया था। तो इस नॉलेज को एक्वायर करके न्यूटन ने न्यूटन्स लॉज बनाए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, उससे उन्होंने ग्रेविटी के नियम बनाए और उन्होंने नाम रखा ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसीलिए उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। पर उस सब की नींव पड़ चुकी थी केपलर की राइटिंग से और केपलर की राइटिंग टाइको ब्राहे से आई और टाइको ब्राहे गैलीलियो से प्रभावित थे, उससे उन्होंने अपने सब। तो इस तरह से कई पीढ़ियां लग जाती हैं एक लॉ बनने में और आप उसको 40 मिनट में पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गैलीलियो ग्रेविटेशन के लॉज बने थे। तो न्यूटन का ये स्टोरी सोचना कि न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से एक एप्पल गिरा एंड ही डिस्कवर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वन हैज टू स्टडी ए लॉट और ये सब स्टडी करके उन्होंने खाली इसको कंपाइल किया, उसको एक सीरियल बनाया, सीरियली सब चीज़ों को एक के रीज़न दे के, रिजल्ट रीज़न रिजल्ट रीज़न रिजल्ट ऐसा दे के उन्होंने उसको लिखा, कंपाइल किया और कंपाइल करके उन्होंने अपनी बुक बनाई और उस बुक से फिर हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। तो हम लोग अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे जो रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं वहां से, एंड दैट इज केपलर्स लॉज। केपलर लॉज किसके बारे में बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया दे डील अबाउट प्लेनेटरी मोशन और ये प्लेनेटरी मोशन में केपलर्स लॉज ने नींव डाली ग्रेविटेशनल फोर्स की, क्योंकि प्लेनेटरी मोशन जो सर्कल में होते थे और हर सर्कल के लिए फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ, तो ये उसका फंडामेंटल बना जिससे बाद में ग्रेविटेशन के लॉ बने। तो केपलर्स लॉ को पहले स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट लॉ वी टेक केपलर्स लॉ एज केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ओके, तो फर्स्ट लॉ जो केपलर ने बताया दैट इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। कोई भी प्लैनेट या स्टार किस पाथ में घूमता है, वो एक क्लोज्ड पाथ में घूमता है। क्लोज्ड पाथ हमारे पास बहुत से हो सकते हैं,
क्लोज पाथ एक सर्कल हो सकता है, एक इलिप्स हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, एक जगह से चले वहीं पर वापस आए, दैट इज क्लोज पाथ। तो केपलर का ये कहना था दैट प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड सन इन ए क्लोज पाथ एंड दैट शेप ऑफ द क्लोज पाथ इज इलिप्स नॉट ए सर्कल, ठीक है। और इनकी ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट मीन्स पाथ, द पाथ इज इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्स की शेप हम लोग जानते हैं, ये इलिप्स की शेप होती है और इलिप्स की शेप में दो सेंटर होते हैं, दो सेंटर नहीं कहेंगे, दो फोकस होते हैं। दिस इज नोन एज मेजर एक्सिस, दिस इज नोन एज माइनर एक्सिस एंड देयर आर टू फोकस इन इलिप्स, ठीक है। इलिप्स के बारे में आप मैथमेटिक्स में ज्यादा पढ़ेंगे, कैसे इलिप्स बनाते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इसकी शेप होती हैं। एक सिंपल प्रॉपर्टी मैं इसको बताता हूं आपको कि किसी भी पॉइंट से ये वाला जो डिस्टेंस है आर वन और ये वाला जो डिस्टेंस है आर टू, देयर सम ऑलवेज रिमेन ए कॉन्स्टेंट। अगर आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू 100 है, ये 40 है तो ये 60 है, यहां पर पहुंचेगा तो ये 50 है और ये 50 है, यहां पर पहुंचेगा तो ये 70 है तो ये 30 है। इस तरह से ये ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका दोनों से सम आर वन प्लस आर टू कॉन्स्टेंट हो, ऐसे पॉइंट का लोकस क्या होता है, इलिप्स। ओके, तो इनका ये कहना था दैट एनी प्लैनेट इज मूविंग अराउंड सन इन एन ऑर्बिट हुज शेप इज इलिप्टिकल। अच्छा, अगर इलिप्टिकल शेप है तो दूसरी चीज, सन कहां पर होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। ही सेड दैट सन मे बी आइदर एट दिस फोकस और एट दिस फोकस, नॉट हियर, ठीक है। तो सन या तो यहां पर होगा या यहां पर होगा, ये दोनों में से किसी पोजीशन में भी हो सकता है एंड प्लैनेट इज मूविंग अराउंड इट, यानी एक तरफ नजदीक होगा और दूसरी तरफ दूर होगा, इस तरह से ये ऑर्बिट बनती है। तो इसको नोट कर लेते हैं, लिखिए ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट So this is about shape of the orbit. Okay, orbit का मैंने आपको बताया property क्या होती है, दोनों focus के distance का sum हमेशा constant होता है। This is law of orbits. अब ellipse आप लोग भी बना सकते हैं, कोई भी, ये प्लेन शीट है, प्लेन शीट पे ये हमने दो नेल लगा दिए, दो खिले और एक धागा बांध दिया इसके साथ। ये जो धागा हम बांधेंगे, यहां पर एक पेंसिल रखी और इस धागे को ऐसे कर दिया, ये यहां हमने पेंसिल रखी और पेंसिल को खींचा, खींचने से कुछ धागा इधर आ जाएगा, कुछ धागा इधर आ जाएगा। अब इसको पेंसिल को यहां से चलाइए, जब आप पेंसिल को, अब ये धागे की टोटल लेंथ कुछ है, लेट अस से 100 मिलीमीटर, तो यहां पर आ गया 40, यहां आ गया 60। अब जब हम इसको ऐसे चलाएंगे तो ये धागा ऐसा गया, ऐसा गया, फिर से इसका सम जो धागे की लेंथ है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इसका R1 प्लस R2 हमेशा जो शुरू में हमने लिया था 100 उतना ही रहेगा। तो ये जो पेंसिल यहां से चलेगी ऐसे 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 ऐसे, ये हमको एक इलिप्स मिल जाएगा। ये इलिप्स को बनाने का एक तरीका है, ठीक है। ओके,
So this is the first law. Now second law of second law is known as law of area. Law of area. Law of area says, देखिए यहां पर planet घूम रहा है और यहां एक focus है. Let us suppose इस focus पे sun है और planet ऐसे घूमता है. ये जो planet घूमता है, planet और sun, उसको मिलाकर हम एक line बनाते हैं. दिस इज पोजिशन वैक्टर ऑफ द प्लैनेट. जब ये प्लैनेट यहां पर ऐसे चलेगा तो हम ये सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो पोजिशन वैक्टर है ये ऐसे स्वीप करते जा रहा है, ऐसे झाड़ू लगाते जा रहा है, ये इस तरह से ये वाला एरिया. तो जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा ऐसे, तो इसने इतना एरिया स्वीप कर दिया. यहां से यहां तक पहुंचा, कुछ टाइम लगा होगा इसको. यहां से चला, कुछ वेलोसिटी होगी इसकी. ओके, इसकी वेलोसिटी v है. यहां पर टाइम t1 लगा, तो v1 into t1 ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला कुछ रेडियस है r1. तो इसका एरिया निकालना हमको आता है. This is half base into height. इस ट्रेंगल से इसका कुछ एरिया निकला. कितने सेकेंड में? T1 सेकेंड में. तो हम एक सेकेंड में एरिया निकाल सकते हैं T1 से डिवाइड करके. फिर से सुनिए, ये प्लेनेट यहां पर है, ये इसका पोजिशन वेक्टर. एक सेकेंड बाद ये प्लेनेट यहां पहुंच गया. एक सेकेंड बाद ये इसका पोजीशन वेक्टर, ये वाला एरिया उसने एक सेकंड में स्वीप किया. अब इस एरिया को अगर हम काउंट कर लें, कैलकुलेट कर लें, तो उस एरिया को हम बोलेंगे दिस इज एरियल वेलोसिटी ऑफ दिस प्लैनेट. कौन सी वेलोसिटी? एरियल. फिर से, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? लीनियर वेलोसिटी. एक लाइन में चलने से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक सेकेंड में, उसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी. जितना एरिया एक सेकंड में ये ऐसा करेगा कवर, दैट विल बी नोन एज एरियल वेलोसिटी. ये एक नई टर्म आई, एरियल वेलोसिटी. ओके, अब यहां पर जब हम देख रहे हैं, ये छोटा सा रेडियस है और ये वाला बहुत बड़ा रेडियस है. यहां पर ये इतनी दूर जाता है, R1 है. मान लीजिए ये टाइम 1 सेकेंड है, तो एक सेकेंड में ये इसकी इतना एरिया इसने कवर किया. यहां पर एक सेकंड में इतना एरिया कवर किया, तो यहां पर इसकी एरियल वेलोसिटी इतनी है और यहां इसकी एरियल वेलोसिटी इतनी है. एरिया कवर्ड इन 1 सेकंड, दैट इज एरियल वेलोसिटी. यहां पर जब ये आएगा तो हम क्या देखते हैं कि यहां था और एक सेकंड में यहां चला गया. सो दिस इज एरियल वेलोसिटी इन अ डिफरेंट टाइम एट ए डिफरेंट पोजिशन. इस पोजिशन में ये एरियल वेलोसिटी है, इस पोजिशन में ये एरियल वेलोसिटी है, इस पोजिशन में ये एरियल वेलोसिटी है. एरिया कवर्ड इन 1 सेकेंड. और सेकेंड लॉ ये कहता है कि ये तीनों बराबर है. हर जगह पर एक सेकेंड में ट्रेवल किया गया एरिया इक्वल है. दिस एरिया, दिस एरिया, this area is same in 1 second. ठीक है, area in 1 second is aerial velocity and it remain same. This is law of area. Okay, तो इसको note कर लेते हैं. Thank you.
remain constant. So this is law of area. अब एरियल वेलोसिटी निकालने का तरीका, यहां पर एरियल वेलोसिटी v1 मल्टीप्लाइड बाय t1 r1, ओके टाइम t1 लगा, v1 वेलोसिटी है, ठीक है। अगर v1 वेलोसिटी है और ये r1 है तो ये एरिया हुआ v1 इंटू v1 डिवाइडेड v1 मल्टीप्लाइड बाय r1। For small angle, we can assume that this R1 is as good as height. तो formula क्या होता है? Velocity, sorry, this base multiplied by height. ये triangle का area. अब base हम कितना बड़ा ले रहे हैं? एक second में कितनी दूर जाएगा ये? V1. यहाँ पर एक second में कितनी दूर जाएगा? V2. यहाँ एक second में कितनी दूर जा रहा है? V3. तो बेस की लेंथ एक सेकंड की हमने ले ली, v2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट r2, बेस इनटू हाइट इनटू हाफ, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, क्या मिल गया? एरिया। सो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्या होगा? हाफ v1 इनटू r1, दिस इज एरियल वेलोसिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ द एरियल वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स इज सेम, then half v1 r1 is equal to half v2 r2 is equal to half v3 r3 is equal to a constant. This shows that v1 r1 is equal to v2 r2. v1 r1 is equal to v2 r2. Yeah, इसी से हम और आगे बना लेते हैं, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1, और इससे हमको रिजल्ट मिलता है दैट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये देखिए v ऊपर r नीचे, अगर v बढ़ेगा, ये दोनों इक्वल है, अगर v1 से v2 बड़ा हो गया तो r1 से r2 छोटा होगा, तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2 से ये हमको पता लगता है दैट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका क्या मतलब है? अगर रेडियस बड़ा होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी? छोटी होगी। ये इसका ये मतलब है, यहां देखकर बताइए v1 और v2 दोनों में कौन सी वेलोसिटी स्लो है और कौन सी फास्ट है? v2 स्लो है और v1 फास्ट है। क्यों? क्योंकि r1 छोटा है इसलिए v1 बड़ा होगा। समझ आया? r1 इज स्मॉलर सो v1 इज लार्जर, लार्जर वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी लार्ज है, ये वेलोसिटी स्मॉल है, ये वेलोसिटी सबसे लार्ज है बिकॉज r3 इज स्मॉलेस्ट। अब इससे हमको एक चीज समझ में आती है कि जब भी कोई प्लैनेट स्टार के चारों तरफ घूमता है किस समय वो सबसे ज्यादा फास्ट होता है? व्हेन इट इज नियरेस्ट। और कब वो स्लो होता है? व्हेन इट इज फार अवे। तो जितना दूर होगा उतना स्लो चलेगा और जितना नजदीक होगा उतना फास्ट चलेगा। ओके, बिकॉज ये किस लॉ को फॉलो करता है? लॉ ऑफ एरिया, दैट फॉर एवरी 1 सेकेंड और फॉर एरियल वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट।
अगर रेडियस बड़ा होता जाएगा तो ये अपनी वेलोसिटी को छोटा करते चला जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट किसको रखना है, एरिया को। सो दिस इज सेकेंड लॉ, और इसके बेसिस पर आप अलग अलग जगह पर अलग अलग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। दिस गिव्स यू ए स्मॉल फॉर्मूला फॉर एनी कैलकुलेशंस, राइट। सो दिस इज सेकेंड लॉ। नाउ वी कम टू थर्ड लॉ। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ टाइम। ये आपने नोट कर लिया, ठीक। लॉ ऑफ टाइम ये हमको बताता है, अभी तक हम ये स्टडी कर रहे थे, एक प्लेनेट स्टार के चारों तरफ घूम रहा है, अब एक से ज्यादा प्लेनेट स्टार के चारों तरफ घूमते हैं। हर एक को अपनी अपनी ऑर्बिट का रेडियस अलग अलग होता है और हर एक को टाइम भी अलग अलग लगता है। तो केपलर ने जो स्टडी की, उसने ये स्टडी की कि कोई स्टार कितना दूर है, उसको एक ऑर्बिट में जाने में कितना टाइम लगा। तो एक रिलेशन स्टैब्लिश किया, दैट रिलेशन वॉज बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। एक स्टार हमसे मान लीजिए 100 लाइट ईयर दूर है, दूसरा स्टार 150 लाइट ईयर दूर है, दोनों सर्कल में घूम रहे हैं, तो किसको कितना टाइम लगेगा, 100 150, 1.5 times। तो डिस्टेंस अगर 1.5 time है तो क्या टाइम भी 1.5 time होगा। तो वो उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने निकाला एक स्ट्रेंज रिलेशन निकाला। वो रिलेशन ये था कि स्क्वायर ऑफ द टाइम इज प्रोपोर्शनेट टू क्यूब ऑफ द रेडियस। ये तो इसको लिखते हैं एंड देन वी विल स्टडी इट। फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स square of time is proportional to cube of distance। t square is proportional to r cube, or t square is equal to a constant into r cube, or t square upon r cube is constant। ये तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, t square upon r cube। जितने भी प्लेनेट चारों तरफ घूम रहे हैं, हर एक का टाइम और रेडियस निकालो, तो t square upon r cube हर एक का एक ही वैल्यू लेके आता है। t square year square r cube, this is distance, we will take as meter per meter cube। ये वो कांस्टेंट है, कोई भी प्लेनेट लीजिए, उसका रेडियस रखिए, टाइम पीरियड आ जाएगा। उसका डिस्टेंस अगर मालूम है तो हम टाइम निकाल सकते हैं, और अगर उसका टाइम मालूम है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट टी स्क्वायर अपॉन आर थ्री इज इक्वल टू दिस मच,
ठीक है ना, R की वैल्यू रखेंगे T मिलेगा, T की वैल्यू रखेंगे R मिल जाएगा. सो दिस वॉज कैपलर्स थर्ड लॉ. अब इसी कैपलर लॉ के बेसिस पर ग्रेविटेशन के लॉज बने हैं. जब हम ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को स्टडी करेंगे. और इसी से हमने प्रूफ किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. हम ये कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पर ये लॉ बना, या इस लॉ के बेसिस पे हम प्रूफ कर सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है. ठीक है, हाँ. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी, ये इसके बेसिस पर नहीं, इसके बेसिस पर बना हुआ, सेकेंड लॉ के बेसिस पे. तो नोट कर लीजिए, ये सेकेंड लॉ है. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम यहां पर कौन कंजर्व हो रहा है, v1 इंटू r1 इज इक्वल टू v2 इंटू r2. ये चीज कंजर्व होते जा रही है. अगर हम इसमें m लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, m v1 r1 किसका फॉर्मूला है, mv इज मोमेंटम, mv इंटू r इज एंगुलर मोमेंटम. तो एम वी वन आर वन इज इक्वल टू एम वी टू आर टू, इसका मतलब एम इज इक्वल टू एम वी थ्री आर थ्री. तो उससे ये क्या बन गया, एम वी वन आर वन इज इक्वल टू एम वी टू आर टू एंड सो ऑन. एंड व्हाट आर दीज, दीज आर एंगुलर मोमेंटम्स. बस तो अगर हमसे ये कहा जाए कि एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पर इस लॉ को प्रूफ करो, तो हम क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम इज एम वी इंटू आर. इफ एट रेडियस चेंजिंग वेलोसिटी चेंज, देन एम वी वन आर वन इज इक्वल टू एम वी टू आर टू इज इक्वल टू एम वी थ्री आर थ्री. दिस वी विल स्टार्ट, देन डिवाइडेड विथ एम वी गेट दिस वी वन आर वन, देन मेक इट हाफ वी गेट दिस. उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे दिस हाफ वन वी वन आर वन इज एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट इन 1 सेकेंड, देयर फोर दिस इज द लॉ. तो ऐसा सीधा चलेंगे तो हमने क्या प्रूफ किया, इस लॉ के बेसिस पे एंगुलर मोमेंटम, और उल्टा चलेंगे तो एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे लॉ ऑफ एरिया. तो लॉ ऑफ एरिया किस बेसिस पर है, फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल पर है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, ये दोनों का कनेक्शन याद रखिएगा. ठीक है, ओके. नाउ दीज वेयर ऑल केपलर्स लॉ. अब ये केपलर्स लॉ की स्टडी करने के बाद न्यूटन ने ग्रेविटेशन के लॉज बनाए. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दैट इन नेचर वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस. उनको हम स्टडी करते हैं, अलग अलग किस किस नेचर के फोर्स हैं, और हम ये चाहते हैं कि हर लगने वाले फोर्स को हम पहचान लें कि उसका नेचर क्या है. फोर्स तो बहुत सारे होते हैं, फ्रिक्शन एक फोर्स होता है, दीवार पर जो हम पेंट लगाते हैं उसे चिपक जाता है वो एक फोर्स होता है, एक रस्सी को दूसरी रस्सी से गठान बांधते हैं और खींचते हैं वो नहीं खींचती है, फंस जाती है, एक फोर्स होता है, नट बोल्ट लगाते हैं वो एक फोर्स होता है. इसी तरह से
एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, वो एक फोर्स है। एक स्टार को दूसरा स्टार खींच के रखता है, वो एक फोर्स है। और बहुत सारे फोर्सेस इस तरह से काम करते हैं। एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को हम ऐसे फेंकते हैं, वो कमरे में ही ऐसा घूमना शुरू कर देता है, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो ये जितने तरह के फोर्स हैं, इसको हम नैरो डाउन करते हैं कि कम से कम कितने फोर्स हैं जिससे हम ये सारे एक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वंडरफुली ऐसा करते करते हमने देखा कि बेसिक फोर्स हमारी मैक्रोस्कोपिक लाइफ में सिर्फ दो है, दो तरह की लाइफ, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक वो दुनिया जो हमको अपने चारों तरफ आंख से दिखती है, माइक्रोस्कोपिक जो आंख से नहीं दिखती, छोटी। कौन सी दुनिया? एटम के अंदर की दुनिया, न्यूक्लियस की दुनिया। ये इतनी छोटी है कि हमको आंख से नहीं दिखती है, तो उसके अंदर जो कुछ हो रहा है, फिनोमिनास, जो फोर्स लग रहे हैं, जो एनर्जी है, जो वर्क हो रहा है, उस सब को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ओके, तो हमने ये देखा कि वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के फोर्सेस लगते हैं, और उनका हमने नाम दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। बाहर की दुनिया में, जिसको हम मैक्रोस्कोपिक दुनिया कहेंगे, उसमें भी सिर्फ दो ही तरह के फोर्स हैं, और वो दोनों फोर्स हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हर पार्टिकल में, हर बॉडी में दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, हो सकती हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक के कारण वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा सकती है। कौन सा फोर्स? या तो इलेक्ट्रिकल लगाएगी या ग्रेविटेशनल लगाएगी, बस दो ही तरह के फोर्स वो लगा सकती। अब इसमें से एक फोर्स, जो ये जो दोनों फोर्स लगाती है, इसके पास कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण ये फोर्स लगा सकती। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो हमने देखा कि ये दो अलग अलग तरह के जो फोर्स हैं, इसके लिए इसके पास दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती। जिसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा हो, वो वाला फोर्स ज्यादा लगाएगी। जिसके पास दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा हो, दूसरा फोर्स ज्यादा लगाएगी। तो एक कैरेक्टरिस्टिक का नाम है मास। मास, जिसके पास मास होता है, वो दूसरी बॉडी पर एक फोर्स लगाती है और उसको अपनी तरफ खींच लेती है। इस फोर्स का नाम हमने दिया मास। जितना ज्यादा हो, हम बोलते हैं उतनी ज्यादा उसमें ग्रेविटी है, उतने ज्यादा उसमें कंटेंट्स हैं। तो इस फोर्स का नाम रख दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इस बॉडी के पास क्या होना चाहिए? मास। और मास हर मटेरियल के पास होता है। इसका ये मतलब है कि हर मटेरियल ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। फिर से, ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन क्या है? मास। एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक भी इसके पास हो सकता है, उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो ये एक दूसरी तरह का फोर्स लगा सकती है, और उसका नाम है इलेक्ट्रिकल फोर्स। वो इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल से कितने गुना? 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 40, 50, 60, 37 जीरो लगेंगे। इतना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इतना खतरनाक फोर्स होता है, ठीक है। लेकिन दोनों फोर्स के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ लेंगे क्लास 12th में, उस समय हम फिर इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि तब तक हम दोनों फोर्स स्टडी कर चुके होंगे। तो पहले हम क्लास 11th में स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लास 12th में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर कंपेयर करेंगे। ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका कौन सा है? कि इसके पास मास होता है, और उस मास के कारण ये एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स कैसा होता है? फोर्स दो तरह के होते हैं, किसी चीज को पुश करना या किसी को अपनी तरफ पुश करना। पुश तो दोनों ही होते हैं, दूसरे पुश का नाम हमने दे दिया पुल। पुश दूर करना, पुल नजदीक करना। तो जिस चीज को हम अपनी तरफ खींचते हैं, दैट इज पुल। तो ग्रेविटेशनल का फोर्स सिर्फ पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है, दैट वी कॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
So gravitational is doing only attraction. ये फोर्स का रीजन क्या है, पहले ही बताया कि इसके पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, मास, जिसके कारण ये फोर्स लगता है. अब ये फोर्स किस पर लगाएगा, यहां से सन की लाइट आ रही है, यहां पर हमने ये मास को रखा, इसने लाइट को अपनी तरफ खींचा, नहीं खींचा, तो हमने ये देखा कि ये मास सन की लाइट को अपनी तरफ नहीं खींच सकता है. तो किसको फिर खींच सकता है, तो आंसर है ये किसी दूसरे ऐसे ऑब्जेक्ट को खींचेगा जिसके पास यही कैरेक्टरिस्टिक हो, मास हो. तो अगर इसके पास मास है तो दूसरे मास को ये अपनी तरफ खींचता है, फोर्स लगाता है. इसके पास भी मास होना चाहिए. अगर इसके पास, आगे हम पढ़ेंगे, इसके पास अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो ये इस बॉडी पर, जाती हुई बॉडी पर फोर्स नहीं लगा सकता, तभी फोर्स लगा सकता है जब इसके पास भी मास हो, है इलेक्ट्रिक चार्ज हो. तो इलेक्ट्रिक चार्ज पर फोर्स लगाता है, मास दूसरे मास पर फोर्स लगाता है. इस तरह से एक बॉडी जिसके पास मास है वो दूसरी बॉडी जिसके पास मास है उस पर एक फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ये जो ग्रेविटेशनल का फोर्स है ये कितना ज्यादा फोर्स होता है या कितना कम होता है, इसके कारण क्या क्या होता है, तो आंसर है इसके कारण वो सब कुछ होता है जो फोर्स के कारण होना चाहिए. जैसे किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स के कारण क्या होगा, उसमें वेलोसिटी आएगी, एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी बिल्डअप हो जाएगी. तो उसी तरह से अगर हमने इसके सामने एक ही ऑब्जेक्ट रखा, इस पर फोर्स लगा और ये ऐसे जाना शुरू कर दिया तो इसमें एक्सीलरेशन होगा और एक्सीलरेशन के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन किसके कारण हुआ, ग्रेविटी के कारण, और इस एक्सीलरेशन को कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो ये ग्रेविटी के तो ये फोर्स के बारे में न्यूटन ने लॉ बनाया, एंड दैट इज नोन एज फेमस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग स्टडी करते हैं. व्हाई वी कॉल इट यूनिवर्सल लॉ, बिकॉज दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द यूनिवर्स. ये सिर्फ हमारे अर्थ के ऊपर की जितनी चीजें हैं इस पर ही नहीं लगता है, ये स्टार टू स्टार भी लगता है. ठीक है, कोई भी यूनिवर्स में दो स्टार हैं, उन दो स्टार के बीच फोर्स लगेगा, लॉ यही रहेगा. इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, यूनिवर्सल. इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द यूनिवर्स. एंड व्हाट इज दिस लॉ, दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, टू ऑब्जेक्ट्स, टू आई शुड से इन अ वेरी प्योरिस्ट फॉर्म दैट F is proportional to 1 upon R square.
वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. यहां पर हम जी की वैल्यू वन नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि इसके पहले ही फोर्स, मास और डिस्टेंस तीनों की यूनिट्स ऑलरेडी फिक्स हो चुकी हैं. तो इसलिए जी की वैल्यू कुछ यूनिट्स में आएगी. वी कैन नॉट मेक इट वन. जैसे एफ में हमने वन किया था. सो व्हेनेवर वी आर मेकिंग ए न्यू बॉडी, व्हेनेवर वी आर मेकिंग ए न्यू डेफिनेशन, उस समय हम कांस्टेंट को वन बना लेते हैं. पर यहां हम नई डेफिनेशन एफ की, एम एम आर, किसी की भी नई डेफिनेशन नहीं ले रहे. सब की पुरानी यूनिट्स हमको मालूम है, इसलिए जी यहां पर यूनिट लेस नहीं होगा. वी हैव टू मेक सर्टेन यूनिट ऑफ इट. ओके, सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये कितना होगा, क्या होगा, लेट अस स्टडी इट. तो जी किसके बराबर होगा? जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर अपॉन एम वन एम टू. ओके, क्या आप इसकी यूनिट बना सकते हैं? हाँ बोलिए. न्यूटन मीटर स्क्वेयर, नो, न्यूटन केजी स्क्वेयर. मास का यूनिट क्या लेना है? केजी, केजी. सो न्यूटन केजी स्क्वेयर पर मीटर स्क्वेयर माइनस न्यूटन केजी स्क्वेयर पर मीटर स्क्वेयर. अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है कि क्या इसकी वैल्यू वन होती है या ज्यादा होती है. तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने हर चीज को वन कर दिया. तो देखा कि किस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे. इसको देखिए, इफ एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू वन के जी एंड आर इज इक्वल टू वन मीटर. दो बॉडी, दोनों का मास कितना है? वन के जी, वन के जी. और इसको हमने कितने डिस्टेंस पे रख दिया? वन मीटर पे. तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स वन न्यूटन होगा क्या? वी डोंट नो. कुछ ना कुछ तो होगा वो फोर्स. तो वो फोर्स वन न्यूटन होगा ऐसा हम डिक्टेट नहीं कर सकते. ये तो इन पर डिपेंड करता है, नेचर पे, कि ये फोर्स कितना होगा. ओके, जो फोर्स होगा उसको हमने काउंट किया और इनकी वैल्यू यहां पर रखी. एम वन वन, एम टू वन, आर वन. तो हमें क्या मिला? देन जी इज इक्वल टू एफ. तो उस समय इनके बीच में जितना फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? जी की वैल्यू. सो व्हाट इज जी? जी इज द फोर्स व्हेन द मासेस आर 1 केजी एंड कैप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. तो 1 केजी को रखा 1 मीटर पे. जो फोर्स लग रहा है वही क्या चीज है? जी. अगर हम 2 केजी कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 कर देंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना कर देंगे उतने से मल्टीप्लाई कर दो. अगर डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी. इस तरह से हमने देखा ये जी की वैल्यू निकालने के लिए. तो जी अगर इसको हम 1 1 1 कर देते हैं तो एफ और जी इक्वल. यानी एफ क्या है? एक यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स. कौन लगा रहा है दूसरा यूनिट मास? कितना दूर रखा हुआ है? 1 मीटर. तो जितना फोर्स लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? 1 जी. और उसके बाद मास बढ़ाते जाइए, चेंज करते जाइए डिस्टेंस को. इस फॉर्मूला के अनुसार फोर्स चेंज होता जाएगा.
ओके, सो देन जी इज इक्वल टू एफ. तो इसको हम वर्ड्स में लिख सकते हैं, टेक्स्ट में. व्हाट इज जी? जी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन केजी मास ड्यू टू अनदर वन केजी मास and it has a fixed value. ये g की वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11. माइनस 11 बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, तो 1 केजी दूसरे 1 केजी पर इतना कम फोर्स लगाता है. ठीक है, इसको देखने से लगता है कि बहुत कम फोर्स लगाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है. 1 केजी पे इतना लगाता है, पर जब हम ये बात करेंगे कि अर्थ कितना फोर्स लगाती है, तो अर्थ का मास सोचिए केजी में कितना ज्यादा होता है, 10 to the power सो मच. उतनी ज्यादा पावर हो जाएगी तो उसका फोर्स भी काफी हो जाएगा. ग्रेविटेशनल फोर्स वहां हमको ज्यादा विजिबल होता है जहां पर बॉडीज बहुत बड़ी बड़ी होती है. अर्थ है, सन है, दूसरे स्टार्स हैं, इतनी हैवी बॉडीज होती हैं कि उनकी उनका मास 10 to the power 20 तक चला जाता है, 10 to the power 18 तक चला जाता है. अगर इतना ज्यादा मास होगा तो 10 to the power -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बहुत फोर्स आ जाएगा. इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स एप्रिशिएबल होता है क्योंकि मासेस बहुत हैवी होते हैं. ओके, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है. दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल द फोर्सेस ऑल ओवर द यूनिवर्स. ओके, अब हाँ, ये जो लॉज है, इस लॉ में फोर्स लग रहा है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस देयर विल बी वन डायरेक्शन आल्सो. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होती है, इसके लिए हम बोलेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ये उसकी डायरेक्शन भी हमको बताएगा. तो ये जो दो बॉडी हमने यहां पे रखी, इसका मैं नाम दे देता हूं M1, इसका नाम M2, और ये डायरेक्शन का नाम हम देते हैं R1, 2, और ये एरो लगाते हैं. ये ठीक है, ये कभी आपने स्टडी किया है कि R के एरो किस तरह से, आर के नोटेशन को देखिए हम किस तरह से लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में. इसमें ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, दो तरह की डायरेक्शन हो सकती है. इसका मैग्नीट्यूड आर है. जब हम इस डायरेक्शन को जाते हैं तो किधर फेस करके जा रहे हैं, टू की तरफ, और कहां से चल रहे हैं, वन से. तो ये वाले पोजिशन वैक्टर को हम लिखा करेंगे R21. पहले कौन आएगा, जो हमारा टारगेट है, जिसकी तरफ जा रहे हैं. बाद में कौन आएगा, जहां से चलना स्टार्ट किया है, यानी जहां पर ऑब्जर्वर है. तो ये डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा, R21, और ये डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा, R12. ठीक है, ये नोटेशन याद रखिए. लेकिन ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये अलग अलग राइटर के रूल है.
प्रदीप की बुक में ये उल्टा दिया हुआ है, यूनिवर्सल में कुछ और तरीके से दिया है, हो सकता है एच सी वर्मा में कुछ और तरीका हो, एनसीईआरटी में और तरीका हो, अलग अलग राइटर अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं, तो मैं वो नोटेशन ले रहा हूं जो एनसीईआरटी में, ठीक है। सो आर टू वन मीनिंग फेसिंग टूवर्ड्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम वन, ऑब्जर्वर इज एट वन, राइट। अब यहां पर इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, इस डायरेक्शन को आर टू वन। अब यहां पर जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को हम कहेंगे एफ वन, इस पर जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को लिखेंगे, हां फिर से, इस फोर्स को हम लिखेंगे फोर्स ऑन बॉडी नंबर वन ड्यू टू बॉडी नंबर टू, तो उसको लिखने का तरीका है एफ वन टू। पहले किसको लेना है ऑन, बाद में किसको लेना है बाय, ऑन और उसके बाद बाय, तो इसका नाम क्या होगा बोलो, एफ ऑन वन की टू, एफ ऑन टू बाय वन, तो इस फोर्स का नाम क्या हुआ एफ टू वन। फिर से पहली बार है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, बट इट्स वेरी इजी। एफ के बाद पहला नोटेशन किसका देना है जिस पर फोर्स लग रहा है ऑन, दूसरा नोटेशन किसको देना है जिसके कारण लग रहा है, उसका नंबर बाद में आएगा। फिर से देखिए, ये एक बॉडी है और ये M1, M2, M3, M2 इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, M3 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, अट्रैक्शन का फोर्स। इस फोर्स का नाम बताइए, फोर्स किस पर लग रहा है, वन पे की टू पे की थ्री पे, वन पे, तो फोर्स ऑन वन हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे पहले वन, कौन लगा रहा है फोर्स टू, इसके बाद लिखेंगे टू। ये वाले फोर्स पे कौन किसको खींच रहा है, वन को खींच रहा है कौन थ्री, तो वन पर जो लगने वाला फोर्स है उसका नॉमिनक्लेचर करिए एफ वन थ्री, ये वाला जो फोर्स है ये कौन है एफ वन थ्री। फिर से ये इसको ये अपनी तरफ खींच रहा है ऐसे, अब इस फोर्स का नाम बताइए, फोर्स ऑन टू, खींचने वाला कौन वन वन, इस फोर्स का नाम बताइए जो कि इसको इधर खींच रहा है, फोर्स ऑन थ्री बाय वन। अब कुछ कुछ समझ आ रहा है, तो पहले किसको लेना है जिस पर फोर्स लगता है, बाद में किसको लेना है जहां से लग रहा है। जैसे ये यहां पर ये एक हमने मास और रख दिया, दिस इज एम फोर, अब मुझे आप ये बताइए ये M4 को ये M1 अपनी तरफ खींचता है, ये इस फोर्स का नाम मुझे क्या रखना चाहिए, फोर वन, पहले कौन आएगा फोर, इस पर लगने वाला है और खींचने वाला कौन है वन, फोर वन। ये है M5, M5 इसको अपनी तरफ खींचता है, इस फोर्स का नाम बताइए F वन फाइव, इज इट क्लियर टू ऑल, ओके। तो ये F का नाम लिखने का तरीका, हमेशा के लिए, भले ग्रेविटेशन का चैप्टर हो, लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हो, जिसका भी होगा, फोर्स लिखने का ये तरीका। R लिखने का तरीका पहले ही मैंने बताया, पहले किसको लेना है जहां पर R खत्म होता है और बाद में जहां से स्टार्ट हुआ था, ये ओके अब हम इसको ग्रेविटेशनल फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लिखने का हमारे पास एक तरीका होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ए मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर ए, ये यूनिट वेक्टर क्या बताता है डायरेक्शन, और ये क्या देता है मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड एंड ये डायरेक्शन. दिस इज यूनिट वेक्टर एंड दिस इज मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, फुल वेक्टर. ठीक है, इसी से हमने अलग अलग चीजें पढ़ी थी, जैसे यूनिट वेक्टर क्या होता है, फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, उससे यूनिट वेक्टर हमको मिलता है. ओके, अब शुरू करते हैं. हमको ये वाले फोर्स का इक्वेशन लिखना है, तो इस पर लगने वाले फोर्स का नाम बताइए. F12, गुड. F12 ये वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स में कोई डायरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, वी विल सिंपली राइट इट जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वेयर. ये मैग्नीट्यूड है. अब इसकी डायरेक्शन, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ, किधर लग रहा है, राइट की तरफ. M1 को M2 इसको अपनी तरफ खींचता है या दूर ढकेलता है, खींचता है. तो डायरेक्शन किधर हो गई फोर्स की, इस तरफ टुवर्ड्स राइट. टुवर्ड्स राइट की डायरेक्शन बताने के लिए मैंने यूनिट वेक्टर लिखा R, डायरेक्शन. अब ये बताइए इस R में क्या लिखना, 1 2 की 2 1, टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, वेरी गुड, 2 1 ये आ गया. ठीक है, बस ये जो तरीका है लिखने का, ये हमको क्या दिखाता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, दोनों लिखे हुए हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ राइटिंग द फोर्स. तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, वेक्टर फॉर्म एक इक्वेशन को लिखने से जिससे उसका मैग्नीट्यूड भी पता लगे और उसकी डायरेक्शन भी पता लगे. ठीक है, तो ये इसको लिखने का तरीका है. इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, इस तरह से F12 इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वेयर. ये जो है ना R12 R21, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है. ओके, देखिए ये है R21, तो ये कौन होगा, R12. ठीक है, अब इन दोनों का आपस में रिलेशन बताओ, क्या ये दोनों इक्वल हैं. आंसर है नहीं, इक्वल नहीं है. क्यों, इक्वल वेक्टर वही होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है. तो कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है. इन दोनों का एक रिलेशन हम जानते हैं, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है R21 R12. अगर इसको उल्टा कर दें माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल. इसको अगर हम ऐसे उल्टा कर देंगे तो फिर तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये रिलेशन होता है. तो R12 R21 दोनों के बीच इक्वल कब लगा सकते हैं, जब किसी एक को माइनस कर दें. ठीक है, वही काम हम यहां कर देते हैं. 2 1 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, R12 माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं. उसमें यह है, हमको याद करने में आसानी होती है, F कैसा है 1 2, R भी कैसा है 1 2. ठीक है, ओके. सो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ. इसी वेक्टर फॉर्म को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो तरीका है ये, देखिए F12 इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वेयर, और ये हो जाएगा फुल वेक्टर R21 और ये R³.
ये कैसे हो गया? देखिए, यूनिट वेक्टर आर किसके बराबर होता है? फुल वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू फुल वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर। अगर यहां पर इस यूनिट वेक्टर की जगह हम वैसा लिखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? फुल वेक्टर, और इसके नीचे कौन आएगा? एक आर, उस आर का इस आर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? आर टू द पावर 3। तो ये एक दूसरा फॉर्म है जिसमें हम किसको लेते हैं? फुल वेक्टर को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसका एक तीसरा फॉर्म जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दैट विल बी द लास्ट, उसको देखिए। ये नोट कर लिया सबने? ओके, तीसरा फॉर्म देखिए, वो इस तरह का है। ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पर एक मास m1 रखा है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है r1। यहां पर एक मास m2 रखा है और इसका पोजीशन वेक्टर ये है r2, पोजीशन वेक्टर r1, पोजीशन वेक्टर r2। तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, लिख के बताइए। वो जो हम लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल लॉ। तो देखिए, इनके बीच का फोर्स, इनके बीच फोर्स निकालने के लिए हमने इन दोनों को जोड़ा, इसका मैग्नीट्यूड हमको चाहिए। वेक्टर लॉ से हमको पता है, ये अगर दोनों वेक्टर ऐसे हैं तो ये वाला वेक्टर अगर हम इस डायरेक्शन में लेते हैं तो ये वेक्टर कितना होगा? देखिए, ये एक ट्रायंगल बना, आपको ट्रायंगल लॉ याद है? ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, यहां से यहां तक चलिए R1, यहां से यहां तक चलिए, इसका नाम हमने दिया डेल्टा आर। R1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू R2, बन गया ये ट्रायंगल। एडिशन याद है? यहां से यहां तक ये दो वेक्टर हैं तो ये उनका रिजल्टेंट है। तो इक्वेशन क्या बना, इसमें हमारा इक्वेशन बनता है इस तरह से, R1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू R2। R1 को इधर ले जाइए, क्या बन जाएगा? R2 माइनस R1 इज इक्वल टू डेल्टा आर। ये चीज याद रखिए हमेशा, डेल्टा आर किसके बराबर होता है? R2 माइनस R1। ये आपको बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ वन पार्टिकल इज R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल इज R2, देन द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू इज R2 माइनस R1। द डिफरेंस बिटवीन टू इज R2 माइनस R1। ट्रायंगल लॉ से बनाया हमने ये। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, अब हम इसमें लिखते हैं लॉ, एफ इज इक्वल टू ये वाला एफ, 1 2 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन R³। ये ले लेते हैं R³, और यहां क्या लेना है? R21। ये यहां पर R21 की जगह कौन है? डेल्टा आर, और डेल्टा आर किसके बराबर है? R2 माइनस R1 इस डायरेक्शन पे, और M1 पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन पे, यही डायरेक्शन हमको चाहिए। ठीक है, तो ये जो R21 है ये डेल्टा आर है, ये R21 डेल्टा आर, आर टूवर्ड्स टू फ्रॉम वन, ये डायरेक्शन। तो इसको हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस R1। दिस इज अल्टीमेट वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, और ये एक तरीका, तीन तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। और सिंपल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? जी m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है,
और वेक्टर में हमको डायरेक्शन दिखानी है, इसलिए ये। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल तो इसका वेक्टर फॉर्म भी आपको याद रखना है इस तरह से, ठीक है, जो कि हमको डायरेक्शन भी दिखाता है। सो दिस इज ग्रेविटेशन। ये जी की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमको कैसे पता लगती है? एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेयर, एक किलो और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, ऐसा रखना पड़ता है। पर पहली बार इसकी जो वैल्यू निकाली थी वो कैविंडिश ने निकाली थी, उन्होंने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। ये इस तरह से 4 बॉल रख के यहां पर ये एक पेंडुलम लटका के यहां पे इन दोनों के बीच के डिस्टेंसेस को कम ज्यादा करके, दैट इज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट। पर अभी हम लोग उसको डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं। जब हम ऐसा 2 मास लगाएंगे तो एक अट्रैक्ट होंगे, वो अट्रैक्ट होके एक दूसरे की तरफ जाएंगे, उससे हमने उसको टॉर्शन लगाया, ये किया, फोर्सेस को बैलेंस किया, बैलेंस करके उसकी वैल्यू निकाली। पर अभी हम उसको डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं। स्टोरी इज ऑफ कोर्स गिवन इन योर बुक, यू कैन ऑलवेज स्टडी दैट स्टोरी। ओके, सो वी विल क्लोज इट हियर। कैविंडिश